सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि आईफोन में यूएसबी टाइप सी कब आएगा। तो हाल ही में एक लीक्स आया जिसमें बोला जा रहा है कि आईफोन 11 जो आएगा उसके साथ आपको यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आपको एफएल में भी यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज और क्या क्या टेक न्यूज है। दोस्तों, बहुत से लोग वेट कर रहे थे गेमिंग फोन के लिए ब्लैक शार्क 2 के लिए। तो फाइनली ब्लैक शार्क 2 अभी तक सेल में आया नहीं और इसके अंदर एक न्यूज आ गया है नुबिया रेड मैजिक 3 को लेकर, क्योंकि नुबिया रेड मैजिक 3 आने वाला है बहुत दिनों से हो रहा है। तो फाइनली अभी ये फ़ोन आने वाला है और ये 17 तारीख को लॉन्च हो जाएगा और फ्लिपकार्ट में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ़ोन है और इसका स्पेसिफिकेशन जो है 855 है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, फिजिकल कूलिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है नुबिया रेड मैजिक। और रेड मैजिक 3 उसके अपडेट वर्सन है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ है इसका जो प्राइस होगा वो ब्लैक शार्क 2 से बहुत ही कम होगा। तो अभी तक ब्लैक शार्क 2 आया नहीं और रेड मैजिक आ गया है। अगर रेड मैजिक आ जाता है तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो, क्योंकि रेड मैजिक 3 बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ़ोन है और सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है प्राइस जो ब्लैक शार्क 2 से बहुत ही कम है। तो इसी कारण आप रेड मैजिक 3 को ले सकते हो। दोस्तों, हमारा जो अगले अपडेट है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स एक ऐसा काम किया है जो अभी तक कोई नहीं किया है। इन्फिनिक्स एक नया फ़ोन लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6GB रैम, वो भी 10,000 के नीचे। 10,000 के नीचे हाल ही में देखा जाए तो अभी तक कोई भी फ़ोन आया नहीं है जिसमें आपको 6GB रैम देखने को मिलेगा। तो इन्फिनिक्स ये काम कर दिया है, 6GB रैम आपको देखने को मिलेगा। इसमें रियर में जो कैमरा मिलेगा 13+2, फ्रंट में जो कैमरा मिलेगा वो भी 13+2 है और प्रोसेसर रहेगा हीलियो P22 एक अच्छा क्वालिटी के प्रोसेसर है और ये जो फ़ोन आएगा अच्छे परफॉर्मेंस भी देगा। हम सुबह एक वीडियो भी डाला था इस फ़ोन को लेकर, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो इस फ़ोन के टोटल फीचर्स क्या है। तो 10,000 के नीचे 6GB रैम वाला फ़ोन आपको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका रैम भी अच्छा है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी 12nm टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस अच्छा ही देगा। दोस्तों, अगले जो अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के ए सीरीज के फ़ोन बहुत ही पॉपुलर हुआ है और एम सीरीज का भी बहुत ही पॉपुलर हुआ है। ए सीरीज में जो आया था A10, A20, A15, A13 और A17, और अभी जो आ रहा है इसका A17S, A20S और A30S ऐसा करके कुछ फ़ोन आ रहा है। और इसमें जो A70S रहेगा उसमें जो कैमरा रहेगा वो सबसे हाईलाइट है, क्योंकि इसमें जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड में पहली बार 64MP का कैमरा रियर में देखने को मिलेगा। क्योंकि सैमसंग की तरफ से आ रहा है तो क्वालिटी भी अच्छा होगा, मगर कैमरा जो आ रहेगा 64MP का कैमरा पहले बार हो रहा है ऐसा काम जो सैमसंग कर रहा है। तो ये फ़ोन आप देख सकते हो और कुछ ही दिनों में ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, न्यूज़ हो और रेडमी के लेकर बात नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडमी हर दिन कोई ना कोई कारण न्यूज़ में छाए रहता है। रेडमी अभी तक अनाउंस नहीं किया था उसके 5G को लेकर, मगर रियलमी ने ऑलरेडी कर दिया है उसका 5G फ़ोन को लेकर बात, क्योंकि रियलमी ने बोल दिया है 2019 के बीच में उसका जो 5G वेरिएंट के फ़ोन वो आएगा। अभी रेडमी में भी क्लियर कर दिया है उसका भी 5G फ़ोन आने वाला है इंडिया में। देखा जाए तो रियलमी और रेडमी बहुत ही कंपटीशन करता है, तो इसमें एक चीज़ भला होता है जो आम पब्लिक का जो फ़ोन लेता है, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन आता है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में आता है। यानी कि रेडमी और रियलमी जो कम्पीट करते हैं दोनों को, और उसमें फ़ायदा जो होता है हम लोगों को होता है, और इसी कारण जो 5G फ़ोन ला रहा था रियलमी उसको देख के रेडमी भी अनाउंस कर दिया है उसका भी 5G फ़ोन आएगा। तो चलो देखते हैं उसका जब 5G फ़ोन आएगा वो फ़ोन कैसा होता है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है और उसका प्राइस क्या रखता है रेडमी। दोस्तों, आज लॉन्च हो गए इंडिया में Honor 20 सीरीज के फ़ोन। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आया है और इसका कैमरा भी बहुत अच्छे क्वालिटी के, मगर ये फ़ोन जो लॉन्च हुआ है आज, ये फ़ोन कुछ एक दो महीना पहले बाहर लॉन्च हो गया है, अभी इंडिया में आ रहा है और इसका देखना है प्राइस क्या रहेगा, क्योंकि
ऑनर के प्राइस ठीक ठाक रहता है। अभी जो 20 सीरीज का फ़ोन आ रहा है इसका स्पेसिफिकेशन क्या रहता है टोटल और इसका प्राइस क्या रहता है ये हमको देखना है। अगर इसको लेकर जानकारी चाहिए तो कल हम एक वीडियो बनाएंगे ऑनर 20 सीरीज को लेकर और उसमें क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा ये भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल टेक न्यूज़ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।